अंसारा अहमद, आप एक बार अपनी रैंक बता दें। 52 रैंक है सर मेरे। वेरी नाइस, डॉक्टर अंसार अहमद जैसे बता रहे हैं उनकी 52 रैंक। क्या तो आप ये मिस्टेक बताएं कि प्रिपरेशन टाइम में हमें क्या नहीं करना चाहिए, रैंक थोड़ी सी आ गई थी। सबसे पहले चीज तो सर ये है कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में बहुत मामूली मामूली चीज चीज मिस कर दी, इसलिए मैं हर सब्जेक्ट को बहुत डीपली पढ़ता था और मैं ये सोचता था लास्ट तक कि इसको तो मैं याद ही कर ले जाऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि मैं लास्ट तक उसको याद नहीं कर पाया। रिवीजन करता रहा करता रहा करता रहा, नहीं याद हो पाया। और 5-6 साल के जो मैंने पेपर दिए सर, उससे मुझे यही आइडिया हुआ कि 5-6 साल के जो पेपर देखे हैं मैंने, उसमें सब सुपरफिशियल क्वेश्चन ही पूछा गया है, डीप में बिल्कुल नहीं पूछा गया। इवन कि इस बार भी सर 95 क्वेश्चन आप देखेंगे ना, एकदम सुपरफिशियल ही है। उसमें भी 20-22 क्वेश्चन ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ डिफिनेशन तक पूछा गया, मतलब लाइन जैसे कि वाइज लाइन। बॉस सिर्फ डिफिनेशन पूछा गया, वर्ड के डिफिनेशन पूछे, जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस का डिफिनेशन पूछा गया था, बिल्कुल इसी डेफिनेशन तरीके पूछा से था। सिर्फ डिफिनेशन पूछा है। 20 क्वेश्चन ऐसे हैं कि सर सिर्फ डिफिनेशन पूछा है। वो चीज हम लोग मिस करते चले जाते हैं, बारीकी पे नजर ध्यान नहीं देते कि क्या डिफिनेशन है एक्चुअली। बस सीधा सा हमें तो पता होता है, क्या डिफिनेशन तो पता है, वहीं जाके मार खा जाते हैं। 20-22 क्वेश्चन ऐसे हुए। तो एक तो ये बात हुई कि सर सुपरफिशियल पढ़ना है और कोई भी सब्जेक्ट मिस नहीं करना है, कोई भी अच्छा, सब्जेक्ट। मतलब जैसे बहुत से लोग होते हैं कहते हैं ये छोटा सब्जेक्ट है इसको हटा दो। जी जी सर, जितने भी हाँ सब्जेक्ट हैं, चाहे वो फार्माकोलॉजी हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे स्किन हो, कोई भी सब्जेक्ट मिस नहीं करना है, लेकिन उसको पढ़ना है जैसे सुपरफिशियल। क्वेश्चन जी हो सकता है कि कुछ अभी हो सकता है कोई लोग सवाल कर ले कि सर इतने सारे सब्जेक्ट तो एक साल में पॉसिबल नहीं है, कैसे पढ़ सकते हैं? उसको पढ़ हाँ सकते हैं इस तरीके से कि अगर आप सिर्फ सुपरफिशियल चीज पूछेंगे, सुपरफिशियल का हाँ मतलब ये है कि सिर्फ डिफिनेशन पूछ लें, मेन सिम्टम पूछ लें, मेन इन्वेस्टिगेशन पूछ लें और मेन ट्रीटमेंट। इससे ज्यादा ना ओके पूछा जाता है ना कभी आता है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन आ भी जाए, हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन आते नहीं है। मैं 5-6 साल के पेपर देख चुका हूँ। हाँ, तो उसके लिए ये भी होता है कि हमें बहुत से क्वेश्चन छोड़ना भी होते हैं, है ना? क्यों, हमें जी जी 100% सर पक्का करना भी नहीं है, टॉपर के लिए आते हैं। था जी हाँ बताएं जी सर। सर, जैसे अंसार भाई ने बताया कि मतलब टॉप 10 रैंक के लिए सारी चीजें पढ़नी चाहिए, ओके तो मॉडर्न में क्या सिर्फ रोम्स और सार, जैसे कुछ लोग कहते हैं सार पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं रोम्स पढ़ो, प्रश्न है आप। मिक्सअप होता है? जी, नहीं मैं इस चीज को बता दूं आपको कि आप सर्जरी के लिए, खास तौर से सर्जरी बुक के लिए रोम्स पढ़िए, अरे सॉरी रोम्स कह रहा हूँ, सार पढ़िए। हाँ जी सर, मतलब कौन कौन और सी उसके मतलब ऐसे सब्जेक्ट है सर, एक मिनट, कौन कौन से ऐसे सारे सब्जेक्ट स्टूडेंट है इस जो चीज को नोट सर्जरी से करते पढ़े हैं जाए? जो डॉक्टर अनुसार बता रहे हैं इसको जी नोट, आपका एक्सपीरियंस चाहता हूँ कि मतलब आप ये बताइए कौन से मतलब सब्जेक्ट पढ़े जाए, जैसे मॉडर्न में किस बुक से या फिर सार से पढ़े जाए, कौन सी बुक से? जी सर, मैं इस चीज को खास तौर से शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे भी मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी। मिस्टेक ये हुई थी, जब रिवीजन का टाइम था लास्ट के 1-2 महीने में, तो गायनी ऑफ्स मैंने पारस से पढ़ी थी। उसको मैंने 2-3 मरतबा पढ़ लिया था और मुझे लग रहा था याद हो जाएगा याद हो जाएगा, लेकिन लास्ट तक मैं उसको याद नहीं कर पाया। मैं खुद अपने एक्सेप्ट करता हूँ, तो मैंने उसको चेंज करके फिर फॉरन रोम्स पे आ गया कि नहीं अब मुझे रोम्स पढ़ना है रोम्स। तो मैं क्या करता था, 2-4 दिन 5 दिन में पूरा रोम्स रिवीजन कर लेता था गायनी ऑफ्स के सब्जेक्ट। लेकिन चूंकि अगर वो पहले से मैं किया होता तो वो मुझे पूरा याद हो जाता, जितना टाइम मैंने पारस पे दिया था वो मुझे याद नहीं हुआ, लास्ट तक नहीं याद हुआ रिवीजन करने के बावजूद। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप लोग गायनी ऑप्स इससे पढ़िए, रोम से पढ़िए, छोटे छोटे हैं, 30-40 पेज में दिए होते हैं, उससे क्वेश्चन भी नहीं आते, और कभी आ गए तो 2-4 इतने मशहूर मशहूर होते कि आप खुद ब खुद बगैर पढ़े भी लगा ले जाएंगे। लेकिन सर्जरी के लिए मैं स्पेशली कहूंगा सर, सर्जरी के लिए सार पूरी बुक पढ़िए। उससे क्या होगा, एक तो ये कि जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये केस केस स्टडी, उसमें बहुत आपको हेल्प मिलेगा। उसके अलावा उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट के होंगे सार में, खासतौर से एनाटॉमी के, इसी तरीके से हो सकता है पैथोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो जाते हैं। तो सर्जरी के लिए सार पढ़िए, रोम्स अगर पढ़ना चाहे उसके साथ तो पढ़ लीजिए, लेकिन जो सार पढ़ेंगे वो काफी होगा, उसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा बाकी रोम्स पढ़ लीजिए सब लोग। तो अंसार भाई यही 3 बुक यूनानी के लिए काफी है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, उसूल तिब का जो पोर्शन है, खास तौर से उबूल तबिया का, जी 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 वो जी आप उसूल तिब से पढ़े ना पढ़े, लेकिन इफादे कबीर से जरूर पढ़े, नोट कर लीजिए इस बात। उस जो इसका सर, मैं यही पोर्शन है चाहता हूँ मतलब आप अपने यूनानी के सारे एक्सपीरियंस शेयर करिए, कौन से टॉपिक किस बुक से किस जगह से पढ़ने हैं। नहीं, तो उमूर तबिया का जो पार्ट है वो आप जरूर भी जरूर, मैं तो ताकीद के साथ कहूंगा कि इसलिए कि डायरेक्ट इस बार 4 क्वेश्चन उमूर ये इसके इस इफादे कबीर से डायरेक्ट उसी से पूछे गए, वर्ड टू वर्ड नकल किया गया था, ये ऐसा लगता था कि वहीं से उठा के दे दिया गया। तो इफादे जी हाँ कबीर जरूर मतलब पढ़िए उमूर तबिया के लिए। उसके अलावा उसूल, और ये जो 3 बुक है जहां जहां मिस्टेक हुई है इसको मैं
एक बुक पे लिखा हुआ था, जो रेफरल ऑथेंटिक बुक है उससे लिखा हुआ था, तो उसको मैं शेयर कर दूंगा, आप वो चीज नोट करके वहां से देख लेना। आपके लिए वो चीज हम प्रोवाइड करवाएंगे जो डॉक्टर अंसार ने अपने लिए किया था, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, वो चीज हम आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो ओवरऑल जो हमें पता चला, डॉक्टर अंसार साहब ने हमें ये बताया कि हमें क्या करना है, बहुत चीजों के चक्कर में उन चीजों को नहीं छोड़ देना है जिन चीजों से हमारी अच्छी रैंक आती है, मींस हमें थोड़ी सी सुपरफिशियल चीजों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, मतलब कोई शॉर्ट सब्जेक्ट भी आप ये नहीं कर सकते कि आप उसे स्किप कर दो। ओके, तो काफी अच्छा लगा डॉक्टर अंसार साहब आपसे बात। सॉरी, मौलिजात के ऊपर 3 बुक मन्ना सर की है, ओके, उसको आप जरूर पढ़ लीजिए मौलिजात के लिए, अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो। सर मैं ये बोल रहा था कि अदबिया जब पढ़ते हैं फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर बोलते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, इसके लिए थोड़ा सा आप अपने नहीं बता सर, इसके लिए भी याद हो या ना याद हो, उसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, बस पढ़ते रहना, एग्जाम हॉल में ना खुद ब खुद याद आ जाएगा। लेकिन ये जामिल अदविया से पढ़ेंगे तो नहीं याद आएगा, अगर तनकील मुफ्तदा से पढ़े रहते हैं या मकसद मुफ्तदा से पढ़े तो आपको ऐसा हिंट मिल जाता है कि आप वो क्वेश्चन लगा ही ले जाएंगे। हो सकता है साइंटिफिक नेम या मुफ्तदा ये मुतरादिफ नाम छूट जाए, तो इसके चक्कर में पढ़िए ही मत। क्यों? इसलिए कि इसी बार सर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ओके, अगर बाई चांस आ भी गया तो उसको स्किप कर दीजिए, 120 क्वेश्चन तो करना नहीं है, 110 12 15 भी कर देंगे तो बहुत हो जाएगा, लेकिन ज्यादा कुछ क्वेश्चन तो हमें इसलिए दिए भी जाते हैं कि वो हमें छोड़ना ही होते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन हमें एग्जाम में इसलिए दिए जाते हैं। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी चीजें आपने शेयर करी, काफी चीजें आप हमारे स्टूडेंट को बताई, उनसे काफी फायदा होगा।